हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और हम देख रहे हैं फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग क्या होता है? फाइल हैंडलिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन वेब एप्लीकेशन। फाइल हैंडलिंग जो होता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वेब एप्लीकेशन का। यू ऑफन नीड टू ओपन एंड प्रोसेस अ फाइल फॉर डिफरेंट टास्क। आपको कभी कभी फाइल की ज़रूरत पड़ती है उस फाइल को ओपन करने के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। अलग अलग कामों से काफ़ी डिफरेंट काम ऐसे होते हैं, आपको फाइल जो है ओपन करनी पड़ती है और उसको प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। पीएचपी मैनिपुलेटिंग फाइल्स। पीएचपी हैज़ सेवरल फंक्शंस फॉर क्रिएटिंग, रीडिंग, अपलोडिंग एंड एडिटिंग फाइल्स। पीएचपी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिससे हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ हम पढ़ने वाले हैं रीड फाइल। रीड फाइल, फाइल को रीड हम कैसे करते हैं? एक फंक्शन होता है रीड फाइल। तो रीड फाइल क्या करता है? रीड अ फाइल एंड राइट्स इट टू द आउटपुट बफर। फाइल को रीड करेगा और ये आउटपुट बफर में जो है इसको आउटपुट बफर के लिए इसको रीड करता है, ठीक है। और ये रिटर्न करता है एक फाइल बाइट्स रिटर्न करता है। फाइल का जो साइज होता है ना बाइट्स में, उसको भी ये रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये है रीड फाइल फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ बाइट्स, ठीक है। रीड ऑन सक्सेस। मान लीजिए हमारे पास एक पहले से फाइल है, चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में और आने वाली वीडियोस में देखेंगे, बहुत सारे वीडियोस उसमें बनाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कि फाइल हम बना लेते हैं या हमारे पास है कोई फाइल तो देख लेते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अगर आप पसंद आए तो। बहुत सारे वीडियोस फाइल हैंडलिंग पर बनाने वाला हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेब एप्लीकेशन के लिए। फाइल हैंडलिंग हमें कभी ना कभी जरूरत पड़ ही जाती है किसी फाइल को, जो एग्जिस्टिंग फाइल होती है उसको हम ओपन करने की, अपडेट करने की और एडिट करने के लिए। तो ये हम फाइल हैंडलिंग, देखिए यहाँ देखिए हमने एक फाइल को ओपन, रीड फाइल के थ्रू हमने उसको रीड कर लिया, ठीक है। इको रीड फाइल और अंदर होता है फाइल का नाम जो आप उसको रीड करना चाहते हैं। तो अभी देखा आपने, मैंने किया था हेडर डॉट पी एच पी को, अब कर लेते हैं फूटर डॉट पी एच पी। तो फूटर में जो फूटर में ये फूटर फाइल को देखो रीड कर रहा है। अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देखिए फूटर इसने इस फाइल को रीड कर लिया, ठीक है। और आपको नंबर ऑफ बाइट जो है इसने ये देखिए 18418, ठीक है। ये जो भी दिया नंबर ये दिया है बाइट्स, जो फाइल का जो साइज है वो आपको इसने दे दिया एक नंबर में, ठीक है। अब देखिए एक फाइल और मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये होता है फाइल हैंडलिंग। होम डॉट पी एच पी देखते हैं यहाँ पर क्या है। इसका बाइट्स है 17, तो 17 बाइट्स की फाइल है। देखते हैं इसमें क्या है, कुछ है नहीं, शायद इसमें कम टेक्स्ट होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं माई फाइल डॉट एक्स एम एल, ये भी ओपन कर लेते हैं। तो डॉट पी एच पी, डॉट एक्स एम एल, डॉट टेक्स्ट, ये सारी फाइल आप ओपन कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। रिफ्रेश किया तो देखिए इस फाइल में ये था, देखिए एक्स एम एल फाइल थी, इसका टेक्स्ट बना के मैंने, तो इसमें उसमें जो भी था उसने रीड करके यहाँ पर दे दिया आपको। और यहाँ पर 485 इसका बाइट्स में इसका साइज भी दे दिया फाइल का। तो ये बाइट्स रिटर्न कर लेता है, बाइट्स रिटर्न करता है, ठीक है। रीड फाइल जो फंक्शन है बाइट्स रिटर्न करेगा और फाइल को रीड करेगा। ये देख सकते हैं फिर से माई फाइल डॉट एक्स एम एल, ठीक है। मैंने देखो यहाँ एच आर लगा देता हूँ मैं, तो एच आर से क्या होगा, वो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ यहाँ देखिए ऊपर वाला नीचे वाला टेक्स्ट छोड़ दीजिए, वो करंट फाइल का टेक्स्ट है, ठीक है। ये देखिए एक्स एम एल फाइल है जो हम इसको रीड कर रहे हैं। तो यहाँ टैग्स हैं इसमें, उसको उसने रीड कर लिया एक, ठीक है। इसका डेटा रीड कर लिया उसने और उसको डिस्प्ले करा दिया उसने, कह सकते हैं। देखिए ये डिस्प्ले करा रहे, जैसे एरे होता है एरे में से की निकालते ना, उसी तरह से इसने डेटा को डिस्प्ले करा दिया। अब वो हम आगे देखेंगे आगे क्या होगा। और एक इसने प्रिंट कर दिया इसको और बाइट्स को, तो कोई फाइल ओपन कर सकते हैं, जैसे डॉट पी एच पी होगा, एक्स एम एल होगा, टेक्स्ट होगा, ठीक है। डॉट ठीक है, लॉग इन डॉट पी एच पी ओपन करेंगे तो देखिए ये ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ आप इसको बेसिक समझ लीजिए रीड फाइल के, फाइल को रीड कैसे करते हैं, रीड फाइल। और आगे भी इसके और फंक्शन पढ़ेंगे हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो है रीड फाइल, देखिए ओपन कर दिया ने पूरे फाइल को, यहाँ पर आपके सामने यहाँ रीड करके दिखा भी दिया है। और यहाँ बाइट्स देखिए ये फाइल का जो साइज़ है वो बाइट्स में कितना है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस वीडियो को आपको देखने के लिए, आपका कीमती टाइम जो है थोड़ा निकालना पड़ा आपको, ख़राब हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा बनाएंगे जिससे हमें जो ये वीडियोस हैं वो
जो बिगनर्स हैं, न्यू बिगनर्स हैं, उनको ये मिले और उनको एक हेल्प मिल सके, और आप लोग भी इसको आगे पहुँचाइए, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम वीडियोज़ बनाएंगे। तो देखिए यहाँ फिर से मैंने एक फाइल थी वो